एग्रीकल्चर पे आता हूँ, शुक्रिया मैं बड़ा अप्रिशिएट करता अगर जी गर्देजी साहब इस चीज को कंक्लूड करते हैं। उन्होंने शुरू में हुकूमत के मुतालिक तो बहुत अच्छी अच्छी बातें की, मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर एंड ऑफ द डिबेट को वो हमारी चीजों को रेकग्नाइज करके नोट करके और कुछ हमें भी होप दें और आइंदा जो बजट आ रहा है उसमें हिम्मत करें। अगर वजीर आला साहब को इनकी बातें समझ आ जाए, यहाँ तो अक्सर हमारे बेचारे वुजरा जिनके इतने इतने जहन है, सोच इतनी है, वो जब वजीर आला के सामने जाते हैं उनको आगे कोई बात ही नहीं समझ आती। तो रिसोर्स एलोकेशन क्या होगी और फंडिंग क्या होगी और काम क्या होंगे? तो जनाबे वाला एग्रीकल्चर जो है वो आप जब चेयर से यहां आ जाएंगे तब आपके साथ बहस करूंगा इंशाल्लाह। अभी आपकी चेयर का रिस्पेक्ट है सर, उस वक्त भी बताऊंगा इंशाल्लाह। सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो मुसलसल डिक्लाइन में है मिस्टर चेयरमैन। फैक्ट्स एंड फिगर्स ये कहते हैं कि 2018 के अंदर 7.6 मिलियन बेल्स थी आपकी कॉटन की कपास की, 2020 के अंदर 4.5 मिलियन बेल रह गई। लैक ऑफ रिसर्च है, ये क्वालिटी सीड नहीं है। आप पीटीआई की हकूमत के अंदर पंजाब सीड कॉरपोरेशन नामी इदारा जो बीज देता है क्वालिटी, जिसका मकसद बनाने का ये नहीं है कि अफसरों को अकोमोडेट करो, उसका मकसद है क्वालिटी बीज बनाना। 30% सिर्फ उसकी जर्मिनेशन है, 100 बीज लगाया पिछले साल, 30 बीज सिर्फ होगा। दोबारा गए और बीज दो, बीज कोई नहीं जवाब मिलता था। आपका लैक ऑफ प्रोडक्शन हुई है इसकी वजह से, कॉटन की लैक ऑफ प्रोडक्शन से रॉ मटेरियल कम हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कम हुआ है तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ा है, आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है इस सिर्फ कॉटन की इंपोर्ट की वजह से। क्या इसका सोल्यूशन है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फंड कितना रखा है गर्देजी साहब ने इस साल? कितना एग्रीकल्चर मिनिस्टर का इरादा है रखने का रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड? जरूरत कितना है कॉटन सेक्टर को? टेक्सटाइल इंडस्ट्री से किसी ने पूछा, किसी एग्रीकल्चरिस्ट ने, पॉलिसी मेकर ने, कि तुम्हारी इंडस्ट्री को आज जो मशीनें लगी हुई हैं किस स्टेपल लेंथ की कॉटन चाहिए, कितने माइक्रोनेयर स्ट्रेंथ की कॉटन चाहिए, किस रंग की कॉटन चाहिए, किस वैरायटी की कॉटन चाहिए, ताकि हम अपने रिसर्च इदारों को दें और वो बैठ के वो सीड बनाएं और उनको हदफ दें और उनको पैसे दें? कभी इन्होंने सोचा है कि आप टेक्सटाइल मिलों के ऊपर जो टैक्स वो एफबीआर को देते हैं उसमें से 5% टैक्स की कमी करें, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड बनाएं, उस फंड को हुकूमत के साथ मिलकर प्राइवेट सेक्टर रन करें, उस फंड के जरिए रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम्स अकाउंट वो हों, उसके जरिए बीज बने? ये सोच विचार कभी इन्होंने की है इनकी इस तकरीर के अंदर या किसी एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तकरीर में पिछले 3 साल में या वजीर आजम की किसी तकरीर में इस किस्म की बातें और इस किस्म के प्लान्स कभी सुने जनाब चेयरमैन? नहीं।